नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? तो बाल मित्रों, आज हम लेखन विभाग के अंतर्गत, हिंदी में लेखन विभाग है उसके अंतर्गत, पत्र लेखन कैसे किया जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पत्र क्या है? तो पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करना यानी अपनी बात को बताने का सबसे सस्ता सरल माध्यम है। हम पत्र के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें भाषा लिखित रूप होता है, भाषा का लिखित रूप, अर्थात हम लिखकर अपने पत्र को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र कौन सा अच्छा पत्र हम किसे कहेंगे? अच्छा पत्र हम उसमें कहेंगे जिसमें हम अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके। फिर उसके बाद पत्र की भाषा है वो बिल्कुल सीधी और सरल होनी चाहिए, अर्थात जो हम बात कहना चाहते हैं वह बात स्पष्ट तौर से हम किसी और को समझा सके। इसीलिए कभी भी पत्र की भाषा घुमावदार नहीं होनी चाहिए। फिर अब पत्र है तो पत्र कितने प्रकार कैसे लिखे जाते हैं? जैसे हम बधाई का पत्र लिख सकते हैं, फिर हम किसी प्रकार की कोई सूचना हमें देना है उसके द्वारा, उसके लिए हम पत्र लिख सकते हैं। हमें किसी को कोई संदेश भेजना है तो हम उसमें पत्र लिख सकते हैं। कभी निमंत्रण के लिए, कभी दुख हो, शोक है, कभी किसी की कोई मृत्यु हो गई उसका समाचार है, हम पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। और यदि कोई खुशी का समाचार है वह भी हम पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। बच्चों, आजकल बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गई है। आज हम व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम अपने संदेश को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु प्रगति, विकास कितनी ही विज्ञान कितना ही ज़्यादा विकास आगे कर ले, परंतु फिर भी पत्र की जो महत्ता है वो कम नहीं होगी। कभी कभी कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के कारण हम संदेश तुरंत ना पहुंचा सके, या हम वहाँ तक, जैसे किसी के यहाँ नेट का कनेक्शन प्रॉब्लम है या नहीं पहुंच रहा है, तो हमारा सबसे सरल माध्यम है पत्र। हम पत्र के माध्यम से उन्हें अपनी बात पहुँचा सकते हैं। बच्चों, हम व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा हमारे पास जो हम शब्द भेजे जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हमें बहुत ही कम शब्दों में बात करनी होती है। परंतु हम पत्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात है हम दूसरों को समझा सकते हैं। अब पत्र में कौन कौन सी बातें हैं हमें जो ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि पत्र है, हम जब पत्र लिखेंगे ना तो पत्र में लिफाफा होता है, पोस्ट कार्ड होता है, अंतर्देशीय होता है, फिर निमंत्रण कार्ड होता है और निमंत्रण पत्र का लिफाफा होता है, ये जिसके अंदर ऊपर पता लिखा होता है जिसको हमें भेजना होता है, और पीछे हमारे यानी जो भेज रहा है उसका पता लिखा होता है। अब हम पत्र में लिफाफे के द्वारा, अर्थात उसके अंदर चिट्ठी डालकर भेज सकते हैं, निमंत्रण कार्ड के रूप में दे सकते हैं, हम पोस्ट कार्ड के द्वारा पत्र लिख सकते हैं, और अंतर्देशीय के द्वारा हम पत्र दूसरों को पहुंचा सकते हैं। ये बात तो सही है, पर सबसे पहले पत्र जब हम लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही हम पत्र लिखने की शुरुआत करेंगे, अर्थात पत्र का प्रारूप देखेंगे और पत्र के प्रकार देखेंगे। तो अब सबसे पहले कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है पत्र के लिखते समय? तो सबसे पहले पत्र बिल्कुल ही संक्षिप्त यानी छोटा, एकदम भी छोटा नहीं कि दो लाइन में आप पूरा कर दो, पर संक्षिप्त होना चाहिए, और वह अपनी बात को आपको प्रभावशाली ढंग से लिखी हुई होनी चाहिए। फिर उसके बाद है पत्र हमेशा बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमें पत्र लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। फिर है सबसे पहले प्रेषक, प्रेषक मतलब आप जिसे भेज रहे हो, जिसको आपको भेजना है उसका पता, पूरा पता यानी एड्रेस व दिनांक है वह लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल मतलब संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, मतलब हम किसको पत्र भेज रहे हैं, यदि हमारे बड़े हैं
तो हमारा संबोधन और अभिवादन अलग हो जाएगा। यदि हमारे हम उम्र हैं, मतलब हमारे जितने बच्चे हैं, हमारे मित्र हैं, तो उसका संबोधन और अभिवादन अलग हो जाएगा। और यदि हमसे छोटे हैं तो उनका संबोधन और अभिवादन अलग हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमसे बड़े हैं तो बड़ों के लिए हम क्या करेंगे, आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि, हम अपनों से बड़ों के लिए इस प्रकार के संबोधन और अभिवादन का उपयोग करेंगे। फिर इसमें और एक ध्यान रखने की वाली बात क्या है कि हमें अनावश्यक विस्तार से, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करते करते पत्र नहीं लिखना चाहिए। तो क्या होगा, अनावश्यक विस्तार से बचा होना होना चाहिए और हमारी भाषा एकदम सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति हो। अर्थात हमारी भाषा है एकदम सरल होनी चाहिए, हमारी स्पष्ट रीडेबल, अर्थात जब हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम जिसे अपनी बात समझाना चाहते हैं हम उसे व्यवस्थित समझा सके। और साथ साथ और ज़्यादा ज़रूरी है कि विषयानुकूल, मतलब जो हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें बात लिखनी है उसी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कोई अदर मैटर नहीं, बेफालतू की बातों की बजाय जो विषय पर हमें उससे बात करनी है उसी विषय को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसी पर लिखना चाहिए। फिर उसके बाद बड़ों व अधिकारियों को जब हम पत्र लिखा गया तो उसकी भाषा होती है कैसी, आदरपूर्ण होनी चाहिए, तथा छोटों में कि लिखे गए पत्र में आत्मीयता व्यक्त का व्यक्ति को लिखे गए पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसको कि बड़ों व अधिकारियों को लिखे गए पत्र की भाषा आदरपूर्ण तथा छोटों व आत्मीय व्यक्तियों को लिखे गए पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। यानी हम जब छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी जो भाषा है वो प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, स्नेह मतलब प्रेम। उसके बाद अंतिम, पत्र लिखने के बाद एक बार स्वयं अवश्य पढ़ें ताकि यह जान सके कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। कभी कभी हम पत्र लिखना शुरू कर देते हैं और पत्र लिख देते हैं, जैसे ही पत्र पूरा होता है हम बंद कर देते हैं, परंतु नहीं, पत्र लिखने के बाद हम उसे क्यों अवश्य पढ़ना चाहिए कि जो हम उस व्यक्ति, अपने मित्र को, अपने से बड़ों को या अपने छोटे को जो बात कहना चाहते हैं, क्या हमने उस पत्र को, पत्र के माध्यम से अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है या नहीं, इस बात की जानकारी हमें पढ़ने के बाद ही पता होगी। तो हम पत्र लिखते समय हमें इतनी बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इतना समझ में आया ना बाल मित्रों? बाल मित्रों, अब हम पत्र के प्रकार देखते हैं। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो अब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं और औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो हम सबसे पहले औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र लिखे जा सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे औपचारिक के अंतर्गत प्रार्थना पत्र आता है, फिर व्यावसायिक पत्र आता है और कार्यालयी पत्र आता है। ये सब कैसे औपचारिक के पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो उसके अंतर्गत है निजी या पारिवारिक पत्र आते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला ना कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम निजी या व्यवसायिक पारिवारिक पत्र लिख सकते हैं, परंतु औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम प्रार्थना पत्र या फिर क्या होता है व्यावसायिक पत्र और कार्यालय संबंधी पत्र को लिखते हैं। अब हम इस पत्र का प्रारूप देखते हैं। बाल मित्रों, अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रारूप यानी ढांचा देखेंगे कि पत्र लिखते समय हमें क्या क्या करना है, कौन सी जगह क्या लिखना है, यानी इसका एक फॉर्मेट आप कह सकते हो, ढांचा, प्रारूप या फॉर्मेट। ओके, अब सबसे पहले प्रेषक, यानी आप लिखना है उसका पता लिखना है आपको यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हो। ओके, फिर इसमें दिनांक, आपको डेट डालनी है। उसके बाद जो प्रापक, प्रापक यानी जो पत्र प्राप्त करेगा यानी अधिकारी है, उसकी उपाधि लिखनी है,
मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रही, फिर एक बार पत्र बताऊंगी मैं आपको कैसे करते हैं। फिर उस अधिकारी का यदि पता है तो वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद विषय, विषय है तो आपको एक सब्जेक्ट पर जो भी लेटर लिखना चाहते हो वो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है संबोधन, संबोधन करना है जैसे महोदय महोदया को संबोधन कहलाता है। और उसके बाद है आपको सब्जेक्ट यानी आपका जो विषय वस्तु है वो चालू करनी है। कैसे, सविनय निवेदन यह है कि से आप जो आपका जो विषय है उस पर आप पत्र लिख सकते हो। फिर पत्र लिखने के बाद उसमें आपको धन्यवाद करना है और अंत में भवदीय, भवदीय मतलब आप कौन हो उसके बाद में आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो इतना पता सब, इतना आपको समझ में आया। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक पत्र लिखना है, अब पत्र का मैं बता रही हूँ एक विषय है कि खास करके सड़क बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो उस संबंध में सड़क की दुर्दशा के संबंध में हमको शिकायती पत्र लिखना है। ओके, अब शिकायती पत्र लिखना है तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पता है तो पता हमने क्या लिखा है, अब लिख देते हैं परीक्षा भवन। ओके, अब जैसे ये दिल्ली है, अगर दिल्ली में सड़कें बहुत ज़्यादा, राजधानी दिल्ली जो है हमारी उसकी सड़कें बहुत ज़्यादा खराब है, अब वहाँ से दिल्ली से यदि एक व्यक्ति है वह पत्र लिख रहा है तो अब हमको क्या करेंगे, अब इसी के अंदर हम इसमें एड्रेस वगैरह लिख देते हैं। अब जैसे मैं क्या कर लिख रही हूँ यहाँ पर, तो मैं लिखूंगी परीक्षा भवन, परीक्षा भवन नई दिल्ली, नई दिल्ली। ओके, यहाँ पर उसके बाद अब मैंने यहाँ पर क्या डाला, अब दिनांक डालनी है। अब दिनांक क्या लिखेंगे, तो हम आज की डेट डाल दें, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज है 22/10/20। ओके, अब हमने लिखा, अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, अधिकारी की उपाधि है तो वो क्या है, अध्यक्ष है, क्या है वो, अध्यक्ष है, तो अब यहाँ पर हम अध्यक्ष लिख देंगे उपाधि की जगह। फिर उसके बाद अब उनका जो एड्रेस है तो हम क्या लिखेंगे, दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली। अब उसका हम कोड नंबर डाल देंगे, तो जैसे उसका कोड नंबर है 110036। ओके, अब हमने इस तरह से डाल दिया। ओके, अब हमें विषय लिखना है, तो कौन से विषय पर हमें पत्र लिखना है, तो हम लिखेंगे सड़क की दुर्दशा संबंधी। अब हमें किसे लिखना है पत्र, नगर निगम में लिखना है, उसके अध्यक्ष को लिखना है, किस विषय में, कि सड़क की दुर्दशा के संबंध में। ओके, फिर अब यहाँ पर संबोधन है, तो संबोधन में क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे महोदय, क्या लिख देंगे संबोधन में, हम महोदय लिखेंगे। अब उसके बाद हम अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, सड़क की दुर्दशा के संबंध में, तो अब हम अपना पत्र स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं जनकपुरी ए ब्लॉक नंबर का निवासी हूँ, हमारे इलाके की सड़कों की अवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है और यह टूटी फूटी है तथा इनमें जगह जगह पर बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, इसके कारण यहाँ के निवासियों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बरसात होते ही गड्ढों में पानी भर जाता है जिससे हमें वाहन चलाने में तो असुविधा होती है परंतु गड्ढे अंधेरे में दिखाई नहीं देते हैं या पानी भर जाने के कारण एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होने लगी है। जगह जगह पर खुदाई का काम चल रहा है तो जिससे
हमारे यहाँ की स्थिति बहुत ही ज्यादा विचार करने हैं, विचारणीय या सोचनीय है। अब इतना लिखने के बाद हम पैराग्राफ बना देंगे और पैराग्राफ बना के लिखेंगे कि अंत में आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि सड़क की मरम्मत करवाने का प्रबंध करें। मरम्मत करवाना यानी सड़क को सुधारने का प्रयत्न करें या रिपेयर करने का प्रयत्न करें ताकि यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। अर्थात हम अगर आप इस सड़क को सही करवा देते हैं, रिपेयरिंग करवा देते हैं, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं या हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा विषय पूरा हो गया, हम फिर लिखेंगे धन्यवाद और उसके नीचे हम लिखेंगे भवदीय। जैसे हम लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसे की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भवदीय। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो या हम क ख और ग। अगर हमें फिलहाल मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट के हिसाब से क ख ग बता रही हूँ, या आपको भवदीय है तो भवदीय के आपके अंतर्गत क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर भवदीय के नीचे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको पता चला, अब उसी तरह से आप इसी फॉर्मेट के अनुसार, आप धोरा जी की सड़कें खराब है तो धोरा जी की सड़कों के अनुसार में आप अपने उसमें नगर निगम में वहाँ के अध्यक्ष को पत्र लिख सकते हैं और फॉर्मेट यही रहेगा। हम क्या लिखेंगे, सड़क के दुर्दशा संबंधी, फिर हम महोदय, फिर हम लिखेंगे सविनय निवेदन के साथ यह कि मैं धोरा जी के स्टेशन प्लॉट विस्तार में रहता हूँ, यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, बारिश के कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जिसके कारण हमें यातायात के साधनों को चलाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और जब गाड़ी मीन्स बरसात के समय में जब गड्ढों में पानी भर जाता है तो वो गड्ढे हमें दिखाई नहीं देते हैं जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा चलने के साथ साथ वाहनों की दुर्घटनाओं होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ गई है और आए दिन रोज दुर्घटना होने लगी है। तो मैं आपसे चाहता आशा रखता हूँ कि आप इस सड़क की मरम्मत करवा दीजिए ताकि हम हमारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो सके या हमारी समस्या सुलझ जाए। आप यदि इस कार्य को करवाते हैं तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा। और इस तरह से धन्यवाद और नीचे जैसे कि यदि सुरेश दलाल है, जस्ट मैंने ऐसे नाम बोल दिया, तो नीचे भव दिए और उसके नाम नीचे उसका नाम लिख दीजिए। तो आया बच्चों समझ में कि औपचारिक पत्र को किस तरह से लिखा जाएगा। ओके, अब बाल मित्रों हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। अब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत देखो सबसे पहले क्या होगा, प्रेषक यानी भेजने वाले का पता, फिर उसके बाद दिनांक, जो दिनांक है उस जिस तारीख को आप लिख रहे हो पत्र वह वाली तारीख, संबोधन मतलब आप उसे क्या कहकर संबोधित करते हो वो, उसके बाद अभिवादन करना है, उसके बाद विषय वस्तु या कलेवर। विषय वस्तु कलेवर यानी जो आपको सब्जेक्ट दिया है उसके तीन पार्ट करने हैं, उसके तीन भाग हैं, एक है प्रथम भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा अंतिम भाग है। तो उसके तीन पार्ट पढ़ेगा, मतलब तीन पैराग्राफ के रूप में आपको लिखना है। तो फर्स्ट भाग है यानी पहला भाग है, उसमें आपको हालचाल पूछना है कि कैसे हो मित्र, या दादाजी को या पिताजी को या अपने फ्रेंड को लिखा या छोटी बहन को किसी को भी, तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछना है। वो पैराग्राफ एक या दो लाइन का होगा, वो पूरा होता है तो उसका मध्य भाग मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, आपको जिस पर पत्र लिखना है वह विषय वस्तु आपकी आएगी। और उसके बाद लास्ट में अंतिम भाग मतलब लास्ट पैराग्राफ में आपको पत्र की समाप्ति करनी है। जैसे ही आपका पत्र लिखना पूरा हो जाए तो उसके नीचे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, अपना परिचय देना है और नीचे आप अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करना है। अब जैसे हमने ये प्रारूप देख लिया तो अब हम ये पत्र लिख रहे हैं, तो अगर हम पत्र लिखें तो एक मिनट, हाँ ओके चलो, अब हम अपने दादाजी को पत्र लिखते हैं। ठीक है, दादाजी को पत्र में क्या लिखेंगे, हम अपनी कक्षा का वर्णन कर रहे हैं।
कि हमारी कक्षा कैसी है, तो उसका वर्णन करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें हमारा पता, आप जहाँ पर रहते हो उसका पता लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर तारीख है, तो जैसे आज 22 तारीख है तो 22/10/2020। अब यहाँ पर संबोधन है, तो अब संबोधन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूज्यनीय, क्या जाएगा, पूज्यनीय, पूज्यनीय दादाजी, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्यनीय पूज्य है, तो हम क्या लिखेंगे, दादाजी। अब स्वाभाविक है कि अगर हम पत्र का अर्थ होता है आप रूबरू नहीं मिल पाते हो, तो हम पत्र के माध्यम से हम दूसरे के साथ मिलते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो जैसे हम घर में करते हैं उसी तरीके यहाँ पर यदि दादाजी है तो वो हमारे पूजनीय है, तो हम उनका अभिवादन कैसे करेंगे, चरण स्पर्श के द्वारा, क्या करेंगे, चरण स्पर्श। ओके, चरण स्पर्श किया। अब उसके बाद हमारा विषय आया, अब हमें विषय में हमें तीन भाग करने हैं। तो पहले पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, दादाजी से हम बात कर रहे हैं, सॉरी, तो दादाजी से हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दादाजी मैं यहाँ पर सकुशल हो या कुशल पूर्वक हो, ये पहले पे हाल चाल में हम क्या लिखेंगे, दादाजी मैं यहाँ कुशल पूर्वक हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे, आपकी तबीयत कैसी है मुझे अवश्य लिखना। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, हालचाल पूछ लिया और अपना बता दिया। अब है सेकेंड पैराग्राफ में हमें क्या करना, अपनी कक्षा का वर्णन करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, दादाजी आपको यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ और आप मीन्स 5वीं में बहुत अच्छे अंकों से पास हो गया हूँ और मैं अपनी 6वीं कक्षा में पहुँच गया हूँ। मुझे नई कक्षा में बहुत अच्छा अनुभव हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैं प्राथमिक कक्षा से और माध्यमिक कक्षा में आया हूँ, तो यहाँ पर मेरे टीचर्स अध्यापिका या अध्यापिकाएँ टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, मेरे नए नए मेरे मित्र हैं और हमारी पढ़ाई थोड़ी कठिन है, मतलब हमारे एक क्लास में 5th से 6th में आऊँगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ा कोर्स मेरा टफ होगा, तो मेरी पढ़ाई बहुत थोड़ी कठिन है परंतु मैं बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर पढ़ूंगा और आपको निराश कभी नहीं करूँगा, इस कक्षा में मैं प्रथम ही आऊँगा और मैं गर्मी की छुट्टियों में मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। अब मैं अपना पत्र लिखना समाप्त कर रहा हूँ, बाकी मैं अगले पत्र में लिखूंगा। अब आप अपने हिसाब से आप कक्षा का वर्णन करना चाहो या कोई चीज़ की परमिशन मांगना चाहो, इस हिसाब से आप दादाजी को पिताजी को पत्र लिख सकते हैं। और उसके बाद अंत में, अब अंतिम भाग में समापन है, तो हम क्या करेंगे, दादाजी वहाँ पर चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, और उसके बाद नीचे परिचय, तो परिचय है तो बेटा लिख रहा है, अगर आप बेटा है तो आप लिखोगे आपका पोता, क्या लिखोगे, आपका पोता, और यदि लड़की है तो क्या लिखेंगे, आपकी पोती। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पता चल गया कि आपको किस तरह से पत्र लिखना है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।